हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपको ये लेना है और आपके शरीर की सारी कमजोरी, थकान, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, कैल्शियम की कमी सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ काम न करने के बावजूद हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है और कई बार दिन भर की थकान के बाद हम इतने ज्यादा कमजोर फील करते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते। अगर आपको भी शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है, समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगा है, जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है, खून की कमी रहती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, बाल जल्दी से सफेद हो रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ तो आपकी ये सभी तकलीफें, सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन में 1 कप दूध ले लेना है। ये मैं आपको 1 कप की मात्रा के हिसाब से बता रही हूँ, चाहे तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। दूध को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है मखाने। आपको लगभग 1 मुट्ठी के बराबर इसमें मखाना ऐड करना है। दोस्तों, मखाना आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती देता है। इसमें एंटी एजिंग तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में बुढ़ापे के असर को कम करते हैं। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो भी आप मखाना ले सकते हैं। ये आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, जिससे आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद भी आती है। साथ ही जिन लोगों को जोड़ों और घुटनों के दर्द की, हड्डियों में कमजोरी की समस्या है, उनके लिए भी मखाना बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाना आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ये आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अगली चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है खसखस। आपको 1 छोटा चम्मच खसखस लेना है और इसमें मिला देना है। दोस्तों, खसखस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन और ढेर सारा फाइबर होता है। इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर बनता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, यानी गर्मी में खसखस का सेवन करने से बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपके पेट से जुड़ी समस्याओं को, कब्ज की समस्या को दूर करता है। मखाना और खसखस डालने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है 1 छोटा टुकड़ा मिश्री का। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इसमें मिश्री ऐड ना करें, वो इसी तरह से इस दूध को बना सकते हैं। तो 1 छोटा टुकड़ा मैंने इसमें मिश्री का ऐड किया है। जितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिश्री ऐड करिए। ये आपके दूध को मीठा भी बनाएगी, साथ ही मिश्री के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी गले से जुड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है, हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाती है, साथ ही आपके हाथ पैरों की जलन को भी दूर करती है। और गर्मी में मिश्री का सेवन आपके शरीर को ठंडक भी देता है। और अब इस दूध को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक आपको इस दूध को बिल्कुल धीमी आंच पर उबाल लेना है, जिससे कि ये सभी चीजें जो हैं वो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद में आप इस दूध को गैस से उतार लें और इसको इसी तरह से लें और इसमें जो मखाने हैं उनको अच्छे तरीके से चबा करके खाएं। दोस्तों, इस दूध को लेने का सबसे सही समय है रात को सोने से पहले। आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद में और सोने से कम आधा घंटा पहले इस दूध को लेना है। शुरुआत में आप हफ्ते में 3 दिन इस दूध को लीजिए और धीरे धीरे आप इसको रोजाना भी कर सकते हैं। अगर आप इस दूध को नियमित रूप से लेते हैं तो ये आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके शरीर को ताकत देता है और बड़ी उम्र तक भी आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को खसखस वाला दूध न दें। इसके अलावा किसी भी उम्र के व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं, पुरुष, महिलाएं सभी इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।